नमस्ते दोस्तों, मैं टेलर मास्टर सुरेंद्रनाथ नंदी आप सबको स्वागत है मेरा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक तो बॉडी मेजरमेंट से कुर्ती का कटिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका नाप का बारे में जानकारी कर लेते हैं। इस एक तो पीस है, इसका आस्तीन यहाँ से लेके बाकी कपड़ा जितना होगा उसमें हमारा लंबाई में जितना आएगा उतना करेंगे। तो छीना है 28 इंच, चेस्ट 28 इंच, उसके संग में हम 4 इंच अलाउंस देंगे, 32 इंच हम रेडी रखेंगे। शोल्डर है 12 इंच, कमर लेंथ जो है ऊपर से जो कमर का नाप जो है होगा वो 12 इंच है। बाजू यानी आस्तीन है 14.5 इंच, पैंचा यानी मुहरी 9.5 इंच और कमर है 26 इंच। कमर में हम 2 इंच अलाउंस देके 28 इंच रेडी रखेंगे। सबसे पहले हम आस्तीन कटिंग कर लेंगे। आस्तीन का 14.5 इंच लंबाई है, सीधा तरफ है, इसको हम ऐसे मोड़ लिए हैं। ऐसे मोड़ने के बाद फिर इसको चौड़ा में मोड़ेंगे। अभी हम इसको फाइनल कटिंग नहीं करेंगे, खाली लंबाई रखते हैं। लंबाई रख करके बाकी जो आर्म होल बाद में कटेंगे। इसका लंबाई है 14.5 इंच, इतना मोड़ाई में चला जाएगा। मोड़ने के बाद हम 14.5 इंच ऊपर मोड़ने का, यानी 15 इंच पर हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया, बाजू का लंबा हम इसको रख लेते हैं इस तरह। अभी इस कपड़ा को हम ऐसे लंबा में डबल मोड़ेंगे, देखते हैं कितना लंबा आएगा। इसको इस तरह ऐसे मोड़ लेंगे। बच्ची का है, लंबा ज़्यादा नहीं चाहिए। सीना 28 इंच है यानी चेस्ट, तो उस हिसाब से लंबाई जितना आएगा उस हिसाब से करेंगे। गला का डीप ज़्यादा नहीं देंगे, गला का डीप 5 इंच देंगे। 5 इंच देने के लिए देखिए किस तरह हम इस कपड़ा में से लंबाई बनाएंगे। इसको हम ऐसे गला का कटिंग होगा, तो ये हमारा फाइनल रेडी आएगा। इस पर हम काटेंगे और फाइनल रेडी आएगा ये ऐसे। तो गला का डिप जो है यहाँ 5.5 इंच है, इतना ही रहेगा। 5.5 इंच ये ऊपर दाबने से हमको 5 रेडी आएगा। अभी हम इसको ऐसे काट लेते हैं। ये पीछन कर लिए होगा। सबसे पहले कपड़ा को आप इस तरह रखिए। रखने के बाद एक कढ़ाई जो किया हुआ है, इस कढ़ाई को आप यहाँ खूब बढ़िया से मिलाइए ऐसे। कढ़ाई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इस तरह एकदम बराबर करके मिला लीजिए ऐसे। और गला के बीच इसको रखिए, इस हिसाब से आप नीचे भी जाइए, इधर भी इसको आप मिला लीजिए। कपड़ा बिछाने का सही तरीका यही है कढ़ाई वाला कपड़ा में। अभी ऊपर मोड़ने के लिए ये धागी जो है वो दे दिए, और इसको छोड़ के हम नीचे हमारा 37.5 इंच हम रेडी दे पाएंगे, या 39 इंच है कपड़ा। और नीचे
दूसरा कपड़ा में नीचे किसी को मोड़ना होगा, 2 इंच 2.5 इंच चौड़ा मोड़ना है, तो उस हिसाब से आप भी कपड़ा रखिए, तब नीचे मोड़े मोड़ाई होगा। अभी नीचे के दागी दे दीजिए निशान। अब आर्म होल यहाँ हम सीना है, चेस्ट 28 इंच है, 28 इंच में हम यहाँ 5.5 इंच इसको देंगे, और कमर का जो सेस्ट बॉडी सेस्ट कमर का जो वेस्ट लेंथ ये 12 इंच है, और इसका घेरा हम 20 इंच देंगे, 20 का आधा 10। इसके स्लीट हम दे देंगे 18 इंच पर। तो ये सभी नाप का निशान हम लगा लिए हैं, ऐसे ये हो जाएगा हिप। तो शोल्डर था 12 इंच, 12 का आधा 6, और उसके संग में और 3 सूत दीजिए, और चेस्ट हम रेडी रखेंगे 32 इंच, 32 का 4 भागा कीजिए 8 होगा ये। कमर 26 इंच 28 इंच रेडी देंगे, 26 नाप है 2 इंच एक्स्ट्रा करके, तो 28 का 4 भागा कीजिए ये 7 इंच हुआ। अभी हिप का नाप नहीं लिए, हिप का नाप बड़ों का लेना ज़रूरी पड़ता है, बच्चे का उतना ज़रूरत नहीं होता है। तो आप इसको इस तरह सीधा रखिए, इसको यहाँ रखिए ऐसे, एक कमर और घेरा को ऐसे मिलाइए, ये हो गया। इसको ज़रा सा ऐसे, अब इसको आप ऐसे राउंड शेप दे दीजिए, गला का चौड़ा है, कंधे का डाउन जो है 1/2 इंच हल्का से दे दीजिए, और साइड में 1.5 इंच करके सीना चेस्ट और कमर में 1.5 इंच करके रखिए, इधर जो है आप 1 इंच रख के काट दीजिए। तो ये हो गया सामने का कटिंग का ड्राइंग। ये हो गया, हम स्लीट का कट लगाएंगे ऐसे, और नीचे एक बराबर करके कटिंग करके इसको सफा कर लेते हैं। तो ये हो गया सामने का पीस। अभी हम बैक वाला को काट लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कपड़ा को हम एक साइड से मोड़े हैं, इधर ज़्यादा बचा हुआ कपड़ा को रख दिए हैं, अब इसको हम इस तरफ रखे हैं, इधर बराबर कर लीजिए ऐसे। बराबर करने के बाद में इसको आप काटिए, अब बैक में जो आर्म होल में आप यहाँ पर 1/4 इंच यानी 1 इंच से 2 सूत कम, इसको इस तरह राउंड शेप दीजिएगा। इसको हम यहाँ काट लगा लेते हैं। सामने का गला अभी कटिंग नहीं होगा, इसलिए इसको बढ़िया से काटना होगा। अब पीछे का जो है इसका कटिंग हम कर लेते हैं ऐसे। पीछे हम 4 इंच डीप बनाएंगे इसको ऐसे, इसको
इसको एक तो बॉक्स बना लीजिए। अब इसको ऐसे गोल शेप में कटिंग कर लीजिए। अभी हम बाजू काटेंगे। बाजू तो कटा हुआ है लंबा, उसको अब आर्म होल हमको देना है। किस हिसाब से आर्म होल हम देंगे, इस तरह इसको हम मोड़ के रखे थे। ये हम इसको इस तरह नापेंगे, ये 7 इंच है, 7 से 1 इंच ज़्यादा देंगे तो कितना 8 देंगे। इसको हम 8 दे दिया। और मोहरी हमारा 9.5 इंच था, 9.5 का आधा 4.5 ये रखिए। और यहाँ से 3 इंच, 3.5 इंच, 3.25, जैसे जैसा नाप का होगा इसी तरह अब रखिए। अब इसको ऐसे इसको मिलाइए, ऐसे अब इसको आप इस तरह इसको मिला लीजिए। अब कटिंग कीजिए। अभी इस पर हम ताली पत काटेंगे। सामने पीस जो है उसको साफा फिटिंग लाने के लिए यहाँ पर हमको ऐसे काटना पड़ता है, ऐसे। तो दोस्तों देखिए, बाजू कटिंग हो गया, सामना पिछन हो गया। अब हम इसको सिलाई का तरीका दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, कटिंग करने का तरीका आप देखें, अभी सिलाई करने का तरीका देखिए। ये आस्तीन है, हम आस्तीन बाद में सियेंगे। सबसे पहले हम गला का पट्टी बैठाएंगे, सबसे पहले सामने गला का पट्टी और पीछन गला। इस तरह कपड़ा को ऐसे रखिएगा, ऐसे रख करके इसका नीचे एक तो कपड़ा रखिए। देखिए साइड से जो कपड़ा निकला था, हम उसको गला का पट्टी में काम लगाएंगे। आप इसको इस तरह ऐसे इसको साफा करके रखिए। अभी इसको आप ऐसे रखिए। ऐसे रखने के बाद हम ये कढ़ाई जो है, कढ़ाई के किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा पान शेप में है, उसी हिसाब से सिलाई चलाना होगा। ये उल्टा साइड है। अभी हम सिलाई का सिलाई हो गया, अब कपड़ा हम काटेंगे। इस तरह काट के फेंक दीजिए। ये वी पॉइंट जो है इसको काट दीजिए, सिलाई मत काटिए। अभी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके काट लगा लीजिए। अब इसको पलटी करके मोड़ने भर कपड़ा रखकर इसको बाकी कपड़ा काट के निकाल देते हैं। बाद में ये हाथ सिलाई होगा, तुरपाई। फिर इधर से नाखून लगाइए। इस पर बढ़िया से नाखून लगा लिए हैं। अब यहाँ हम चाप सिलाई लगाएंगे।
अभी हम इसको कच्चा मोड़ लेंगे बाद में हाथ सिलाई करने के लिए। ये कोना पर आके इसको मोड़ लीजिए इस तरह। देखिए सामने गला में पट्टी लग गया, अभी हम पीछे गला में पट्टी लगाएंगे। इसको खूब बढ़िया से बैठा लीजिए इस तरह। उसके बाद तीन सूत पकड़ के सिलाई कीजिए। गला को फैलाइए नहीं, उसको सीधा रखिए। भीतर का कपड़ा काट के फेंक दीजिए। ऐसे काट लगाइए। अभी पट्टी को सही साइज करके कपड़ा को काट के बाकी कपड़ा फेंक दीजिए। इसमें नाखून लगाइए। पीछे गला में पट्टी हम लगा लिए हैं, अगर आप चाहिएगा तो इस पर बकरम भी दे सकते हैं। अभी सामना और पीछन का कंधी जोड़ेंगे इस तरह। इसको इधर रखिए और इसको पट्टी के बगल में इस तरह बैठाइए। आप दोनों को बराबर करके तीन सूत पकड़ के सिलाई कीजिए। अभी वाला पट्टी को इस तरह पलटी कर दीजिए। इधर भी उसी तरह। इसको ऐसे रखिए और इसको ऐसे झाप दीजिए। कंधे पर डबल सिलाई हो गया। अब हम इसको पट्टी को पलटी करेंगे। पट्टी को आप इस तरह पकड़ के ऐसे मोड़िए। मोड़ने के बाद पीछे वाला जो पट्टी ठो है इसको ऐसे ऐसे टांग दीजिए। मिल गया। इधर भी उसी तरह। ये हो गया। अभी हम बैक पर चाप सिलाई लगाएंगे। बैक को हम नाखून लगाए थे, अब इस पर चाप सिलाई लगाएंगे। ये गला का पट्टी लग गया। अभी हम आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन बनाने का तरीका देखिए। हम नीचे मोड़ने का जो दागी दिए थे उस दागी पर हम इसको मोड़ेंगे पहले। ये उल्टा साइड है, इसको पहले इस तरह मोड़ लीजिए। इधर देखिए कढ़ाई एक समान होना चाहिए। कढ़ाई में भी कभी कभी गलती रहता है, सीधा नहीं रहता है, तो आपको सीधा कर लेना है इस तरह। दोनों साइड हम मोड़ लिए हैं। अब इसको मोड़ के मोड़ दीजिए। तो दोस्तों देखिए आस्तीन का एक ठो आस्तीन का नीचे मोड़ाई हो गया। अब दूसरा आस्तीन का भी इसी तरह मोड़ना होगा। तो दोस्तों दोनों साइड का आस्तीन तैयार हो गया। अभी हम आस्तीन लगाएंगे। इधर तालीपत कटा हुआ है, सामना होगा। सबसे पहले हम
इस बाई को लगाएंगे, इस बा को यह कट लगाया हुआ है इधर सामना, इसका देखिए बॉडी का जो है ये पीछन ये सामना, और कट जहाँ लगाया हुआ है वहाँ पर आस्तीन का जोड़, वहाँ पर कंधे का जोड़ को मिलाइए। इस तरह मिलाने के बाद में अब ऐसे इधर ले जाके ऐसे रखिए, ऐसे तीन सूत पकड़ के सिलाई कीजिए। दूसरा आस्तीन भी उसी तरह लगेगा, इधर सामना काट जहाँ लगाया हुआ है वहाँ इसको मिलाइए, और इस तरह इसको मिला के सिलाई कीजिए। अभी हम साइड जोड़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए इस साइड में जो दागी है ये दागी को हम इस पर ऐसे ठोकेंगे तो इधर दागी आ जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दागी का ये निशान है इस पर आ गया। सामना और पीछन को बराबर करके कपड़ा को इस तरह पकड़िए, नीचे से, नीचे से बराबर करके इसे पकड़िए, और जहाँ काट हमारा लगाया हुआ है साइड खोलने का चाक का वहाँ इसको मिलाइए। अब ये धागी पर पकड़ के सिलाई दीजिए ऐसे, ऐसे अभी हम नीचे नाप नहीं लगाए हैं, ऐसी सिलाई कर रहे हैं। यह हो गया हमारा साइड का सिलाई, अब इसी तरह दूसरा साइड में सिलाई होगा। दोस्तों देखिए सीना हमारा 32 इंच रेडी हम रखेंगे, यहाँ 32 इंच लाने के लिए हमको इतना पकड़ के सिलाई देना है, 16 इंच यहाँ 16 इंच लाना है, और कमर है 28 इंच, 26 इंच कमर था उसके संग में हम 2 इंच जोड़े थे तो 28 इंच का आधा हो जाएगा 14 इंच। यहाँ भी 2 सूत, इधर भी 2 सूत पकड़ के सिलाई करना होगा, ये 14 हो गया। अब मुहरी जो है ये 9.5 इंच है, 9.5 का आधा 4.5, ये धागी पर 4.5 आएगा, और इबा में भी धागी दे देते हैं। अब दोनों को पकड़ के एक साथ सिलाई हो जाएगा, फाइनल नाप करके सिलाई हो गया। अब किनारा मोड़ना है, दावन और किनारा मोड़ना है स्लिट को। हमारा मोड़ने के लिए इतना दागी दिया हुआ है, इसको आप इस तरह पकड़ के ऐसे मोड़ लीजिए इसे, अब फिर इसको एक बार मोड़ के ऐसे मोड़िए ऐसे। नीचे वाला कपड़ा को
थोड़ा सा हल्का टानिए, ऊपर वाला कपड़ा को टानिए मत, उसको खाली ऐसे मोड़िए। यहाँ पर आके इसको ऐसे चीरा कर दीजिए, देखिए यहाँ पर एकदम ऐसे चीरा कर दीजिए। अब इसको ऐसे घुमा लीजिए, घुमाने के बाद इधर वाला कपड़ा को सेम तरह से इसको मोड़िए, ऐसे चौड़ा एक बराबर होना चाहिए मोड़ने का। अब ऊपर वाला कपड़ा को टानिए मत, नहीं तो ऐठ जाएगा। नीचे वाला कपड़ा को हल्का टानिए, दूसरा साइड इसी तरह, दूसरा साइड भी मुड़ा गया। अभी इसको एक बराबर कर लीजिए, थोड़ा छोटा बड़ा होगा तो देख लीजिए, ऐसे मिला के एक बराबर कर लीजिए। अभी स्लीव पर आप एक सिलाई और दे सकते हैं इधर, अभी हम देंगे बाद में, पहले नीचे मोड़ लेते हैं। इसको दो सूत पहले मोड़िए, फिर हमारा हाफ इंच जो है इसको चौड़ा करके मोड़िए। तो दोस्तों देखिए, दामन मोड़ा गया, साइड भी मोड़ा गया। अभी हम इस पर डबल एक टो करके सिलाई और देंगे किनारे। अभी हमको गला में हेम करना है और नाप भी सही है। अब इसको इसी तरह अभी सिलाई कीजिए। कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो देखिए, अच्छा लगेगा तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पर हेम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।